और इसलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज काफ़ी अच्छा धूप निकला हुआ था मुंबई में, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ, मज़ा आ गया। हमारे कपड़े उपड़े भी सूख गए, नहीं तो ये बारिश में हमारे कपड़े उपड़े भी नहीं सूखते तो काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। वही कपड़े बार बार पहनना पड़ता है क्योंकि बारिश में यही सब दिक्कतें होती हैं। और तुम लोग के सामने अभी दिख रहा है ना कि बादल आ रहे हैं हमारे ही तरफ। और जैसा कि तुम लोगों ने आज का टाइटल देखा होगा तो इससे तुम लोगों को पता ही चल गया कि ये हमारे मोहतरमा के बारे में है। मतलब जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा मोहतरमा कौन है, तो मैं बता दूं कि हमारी बाइक का नाम है मोहतरमा। जी हाँ, हमारे KTM Duke 200 का नाम है मोहतरमा। और मोहतरमा इतनी गंदी हो गई है ना कि मैं तुम लोग को बता नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। शायद ही इंडिया में किसी की बाइक इतनी गंदी हुई होगी, और वो भी फर्स्ट टाइम मेरी बाइक इतनी गंदी हुई है। तो इसीलिए हम इसको ले चल रहे हैं हॉस्पिटल, और जहाँ की इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और इसको इसकी बुरी हालत से बाहर निकालेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है हमारी बाइक, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो कितना गंदा हुआ सच में, जो कि काफ़ी बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन क्या करें, बारिश में मजबूर हो जाना पड़ता है। अगर धुलवाओगे आप जैसे ही रोड पे निकालोगे फिर से आपकी बाइक उतनी ही गंदी हो जाती है। बट नहीं, आप ऐसे थोड़ी ना अपनी बाइक को रख सकते हैं, आपकी लाइफ लाइन उसी से जुड़ी है तो आपको उसका टेक केयर करना पड़ेगा। और मैंने कुछ ऐसा किया है कि शायद आप लोग मुझे ना पहचान पाओ। अगर इसके पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो आप पहचान लोगे, और अगर नहीं देखा होगा तो शायद नहीं पहचान पाओगे, तो भी मैं वो भी रिवील करने वाला हूँ। तो अभी जस्ट हॉस्पिटल हम लोग पहुँच रहे हैं। यस यस यस, आ गए आ गए आ गए आ गए। जी हाँ भाई और बहनों, तो बड़ी अंधेरा है यार, काफी लाइन लगा हुआ पड़ा है। ये हम हॉस्पिटल आ गए, कितनी बाइक्स का लाइन लगा हुआ है भाई। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली जैसा कि मैं तुमको बोला था कि मैं मोहतरमा को लेके आ गया हॉस्पिटल इन द सेंस जहाँ पे इसकी वॉश होगी। तो अभी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि अपनी मोहतरमा कितनी गंदी हुई पड़ी है, और क्लोजअप दिखाऊंगा तुम लोग को कि कितना गंदा हुआ है, और शायद इंडिया में इतनी बाइक कितनी गंदी हो, इसलिए मैंने टाइटल भी यही रख दिया है। तो अगर तुम लोग पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो इस लुक का रीज़न जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो वो वाला ब्लॉग जाके देखो क्यों मैं ऐसा लुक रख लिया हूँ। तो पता नहीं यार, तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये लुक कैसा लग रहा है, और वो ब्लॉग भी देख सकते हो जाके। तो पता नहीं मैं कैसा अजीब दिख रहा हूँ, लेकिन क्या, अभी तुम लोग देखो मोहतरमा कितना गंदा हुआ है, ठीक है। था नंबर प्लेट उसको मैंने हाथ से साफ किया था, और भी देख लो तुम लोग इसके अंदर, और इसलिए नहीं वॉश कराता था क्योंकि जैसे ही वॉश कराओ फिर से गंदा हो जाता था। लेकिन आज फाइनली वॉश कराना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसी कंडीशन में। चलो अभी वॉश कराते हैं क्योंकि लाइन लंबी लगी हुई है, और हम कराएंगे डीजल वॉश क्योंकि उससे बहुत अच्छा वॉश होता है अपनी बाइक, ठीक है। अभी जस्ट मैं यहाँ पे वॉश ही करा रहा था बाइक, और पता नहीं कहीं तो आग वाग लगा है, कभी तो एक गड्डी निकली लेकिन कहीं धुआं नहीं निकल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर घूमने निकले हैं ये लोग।
और अपनी गड्डी अभी वॉश हो रही है, वहाँ पे डीजल वीजल का लगा दिया है, आज बहुत ज़्यादा नंबर लगा हुआ था तो पूरा यहाँ भरा पड़ा हुआ है। और तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ ये लुक कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा है, कहीं तो आग लगा हुआ है। ये देखो ये भाई हमारी बाइक वॉश कर रहे हैं, बट इनको चाय पीना है तो चाय पी लो फ्रेंड्स। तो अच्छा ये बताइए डीजल वॉश से और नॉर्मल वॉश में क्या फ़र्क होता है? डीजल वॉश होता है कि ज़्यादा गंदा आता है ना, साफ अच्छे से करके थोड़ा सही आता है, लैक आता है गाड़ी। अच्छा मतलब जो वो टैंक वैंक पर लगा रहता है वो अच्छे से साफ हो जाए। साफ तो मैं हमेशा यहीं पर ही वॉश कराता हूँ, पहचान रहे कि नहीं मुझे? हाँ पहचान रहे हैं, कराते हैं। तो मैं जब भी आता हूँ तो वीडियो जरूर बनाता हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए ये लोग जानते हैं मुझे। तो जल्दी थोड़ा पी लो भाई, क्योंकि अभी मुझे और भी आगे जाना है, ब्लॉग बढ़ाना है, नहीं तो हमारी ऑडियंस हमसे गुस्सा हो जाएगी। बस देख रहे हो ना, ये डीजल है तो जो अपने बाइक पे हो रहा है डीजल का छिड़काव, जिससे कि बाइक और अच्छे से फ्यूल मिल जाएगा। फाइनली हमारी मोहतरमा जो है धुल के टेंच हो गई है, और मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि कितनी क्लीन हो गई, पहले कितना गंदा था, जैसा कि वीडियो में पहले दिखाया ना मैंने, तो अभी कितना साफ है और पहले कितना गंदा था। तो ये देखो, पहले तुम लोग को यहाँ कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा था, तो ये असर है अपने डीजल वॉश का। डीजल वॉश से क्या होता है ना, टैंक पर भी अगर कुछ लगा रहता तो उससे भी क्लीन हो जाता है। इधर ये अपनी बाइक पूरी क्लीन, ये देखो टैंक भी क्लियर हो जाता है पूरा, बट इधर किसी ने स्क्रैच मार दिया है, इसलिए स्क्रैच तो नहीं जाएगा बट बाकी जितना था सब साफ हो गया। अब लगे नीली अपनी बाइक धुल के कंप्लीट हो गई, और जितना क्लीन मैं दिख रहा हूँ उतना ही क्लीन अब मेरी बाइक दिख रही है। ये देखो अभी टंच हो गई, पहले बहुत गंदा दिख रहा था बट अभी टंच हो गई, तो अच्छा लग रहा है, मुझे फील अच्छा हो रहा है। वॉक अराउंड खाना ज़रूरी है, तुम लोग कितना साफ हुआ है भाई। ठीक है चलो अब यहाँ से निकलते हैं, और ये व्लॉग अपने बाइक के ऊपर था तो देख लो तुम लोग बाइक अच्छे से। गाइस फाइनली आपने देखा ना अपनी बाइक एकदम साफ हो गई, मतलब डर्टीएस्ट टू क्लीनेस्ट हो गई। और ये डीजल वॉश का था, 100 रुपीज़ मैंने पे किया, तो 100 रुपीज़ में अपनी बाइक काफ़ी अच्छी साफ हो गई। तो लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी फिर से निकालेंगे और फिर से रोड पे पानी वानी रहता है, टिक्कर उक्कर रहता है, तो फिर से गंदी आ जाएगी, बट क्या कर सकते हैं, बुलवाना तो था ही। तो आई होप आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया हो, अगर किया हो तो क्या करना है आपको, लाइक कमेंट शेयर, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। चलो गाइस बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। करते करते ही जिसका इंतज़ार नहीं था वही आ गया, मतलब बारिश अभी बंद हो गया, अभी बारिश स्टार्ट हो गया था और अभी हमको थोड़ा दूर जाना है, तो अगर बारिश हो गई तो फिर हमारे पंगे हो जाएंगे, इसलिए मैं इनसे बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वॉश कर दो यार।